आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 1,70,000 पदों पर जो भर्ती अभी आई थी, जिसकी परीक्षा 24 से 26 अगस्त के बीच करवाई गई, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो TGT और PGT दोनों का शेड्यूल जारी किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आप हेडिंग पर देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया नीचे कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और जो भी परीक्षा का फॉर्म भरते समय अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। TGT और PGT का दोनों का जो है शेड्यूल ये जारी किया गया, 4 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा। कहाँ पर होगा? तो सभी जिला मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम होना है, ठीक है। तो जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं उनका जिला स्तर पर ही हो जाएगा। जो अदर स्टेट से अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं उनके बारे में बताया गया कि पटना मुख्यालय में इनका करवाया जाएगा, ठीक है। तो निर्धारित अवधि में आपको अपने जिला मुख्यालय में जा करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जैसा कि आज BPSC के चेयरमैन ने बताया है कि TGT और PGT का जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर तक जारी हो जाएगा। तो जब तक रिजल्ट जारी होता है उधर कॉपी चेक होती है, उस बीच BPSC फ्री है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा और इस जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होंगे उन्हीं का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। बाकी PRT का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद करवाया जाएगा और PRT का जो रिजल्ट है वो आपका 25 सितंबर के आसपास जारी करने की सूचना दी गई है। एक नोटिस और जारी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, दूसरी नोटिस है, ये नोटिस संबंधित है दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग है, चाहे वो TGT की हैं PGT की हैं, सभी के लिए नोटिस है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल होगा। मेडिकल कहाँ पर होगा, कब होगा? तो बताया गया 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच इनका मेडिकल होगा। जिला स्तर पर ही मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, वहाँ पर जो दिव्यांगता की जांच की जाएगी आपकी, जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाए होंगे, ठीक है। यदि किसी कारण से जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड जो है जाँच करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको IGIMS या फिर PMCH भी रेफ़र किया जा सकता है और वहाँ पर आपका जो है जांच करवाया जाएगा। उसके बाद जो है फिर आगे की प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, बताया गया कि जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच है वो पटना मुख्यालय में करवाई जाएगी, जो बाहर राज्य के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के हैं, और बाकी सभी जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको अपने ज़िला में ही करवाना है, ठीक है। तो ये विशेष सूचना दो नोटिस आज जारी की गई है, जो कि इस वीडियो मैंने कवर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।